हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन देखो और सीखो। दोस्तों, आज की सुबह में मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन का रिव्यू लेकर आऊँ, जिस एप्लीकेशन का यूज करके दोस्तों आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा कमाल का फीचर मिलने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में इसको स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कुछ मिस कर देंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी इंटरेस्टिंग और काम की वीडियो हर रोज मेरे चैनल पर देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन, उसमें आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन की ओल्ड और पुराने रिंगटोन से परेशान हैं, एक ही रिंगटोन हर रोज़ सुन सुन के अगर आपके कान पक चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट और बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन बताने वाला हूं। इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे तो दोस्तों आपके फ़ोन पे जितनी भी इनकमिंग कॉल, दिन भर में जितनी भी कॉल आएंगे, सारे कॉल पर एक नए नए रिंगटोन बजेंगे। बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके और इसको इसका जो है कि सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जितनी भी कॉल आपके फ़ोन पे हर रोज आएंगी, सारे कॉल इनकमिंग कॉल पे दोस्तों नया नया रिंगटोन बजेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस एप्लीकेशन का नाम है रेंटट्यून। तो सिंपली आपको इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के पहले, इसको ओपन करने के पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने इंटरनल फ़ोन में यानी आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें आपको एक जो कि न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा, और उसमें जिस जिस रिंग टोन को आप बजना चाहते हैं इनकमिंग कॉल पे, मतलब सुनना चाहते हैं उस सॉन्ग को, आप यहाँ पे उस फोल्डर में सेलेक्ट कर लीजिए। तो सो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर जो कि माई म्यूजिक नाम से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और उसमें मैंने 8-10 जो कि रिंग टोन इसमें डाल कर रखा है। आप जितना चाहे डाल सकते हैं, 50-100 जितना चाहे डाल सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए 10 रिंग टोन यहाँ पे डाल कर रखे हैं। आप सॉन्ग्स भी डाल सकते हैं, गाने भी डाल सकते हैं जो आप रिंग टोन में सुनना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अपने इंटरनल मेमोरी कार्ड में, जो कि एसडी कार्ड में नहीं, इंटरनल मेमोरी कार्ड में आपको एक जो कि फोल्डर क्रिएट करना होगा, उसमें जो जो आप रिंगटोन सुनना चाहते हैं उसमें आपको डालना होगा। उसके बाद दोस्तों, उस फोल्डर का कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, और इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने से होगा, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे कॉल, SMS, अलार्म, 3 ऑप्शन मिलेंगे। जिस चीज अगर आप कॉल पे चाहते हैं कि जब भी मेरा कॉल आया तो हर रिंगटोन, हर कॉल पे जो कि अलग रिंगटोन बजे, SMS पे चाहते हैं तो वहाँ भी लगा सकते हैं, अलार्म पे चाहते हैं तो वहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ कॉल दिखाना वाला। तो सिंपली आपको सेकंड वाले ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना है। चूज करने के बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एड ए प्ले लिस्ट, यहाँ पे प्ले लिस्ट का कुछ भी नाम दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे म्यूजिक दे दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो फिर से आपको जाना है यहाँ प्लस के आइकन पे, और प्लस के आइकन पे जाने के बाद दोस्तों आपको एड फोल्डर पे जाना है, और ये आपके इंटरनल मेमोरी कार्ड में ले जाएगा, और जो भी वहाँ पे आप नेम, मतलब जो भी यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किए हैं जिस नाम से, जिसमें आप रिंगटोन रखे हैं, वहाँ यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं माई म्यूजिक जो है कि फोल्डर में सारा रिंगटोन सेलेक्ट करके रखा है, तो मैंने यहाँ से माई म्यूजिक जो है कि सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको सेलेक्ट डायरेक्टरी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जितनी भी रिंगटोन या फिर सॉन्ग्स यहाँ पे अपने उसमें लोड किए होंगे, सारा का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बैक आना है, और बैक आने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों फर्स्ट में आपको कॉल का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको यहाँ से इसको ऑन कर देना है, ठीक है। सो ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है नो प्लेलिस्ट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो है कि म्यूजिक वाला जो ऑप्शन आपने जो प्लेलिस्ट क्रिएट किया था, यहाँ से इसको चूज कर लेना है, ठीक है। सो उसके बाद नॉट नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आप जितनी भी आप वहाँ पे रिंगटोन लगा कर, मतलब उस फोल्डर में ऐड कर रखे हैं, उतने जो कि एक एक करके सारा रिंगटोन जो कि बजना स्टार्ट हो गया। हर कॉल पे, हर नए कॉल पे जितनी भी कॉल आएंगी, सारे कॉल पे दोस्तों अलग अलग रिंगटोन बजेगा। तो इस तरीके से आप अपने बोरिंग रिंगटोन से जो कि छुटकारा पा सकते हैं, ठीक। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको चेक करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन नहीं है, सिंगल ही फ़ोन है जिसको मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो दूसरा अगर मेरे पास कॉल फ़ोन रहता तो मैं आपको चेक करके भी दिखा, लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। मैंने चेक कर लिया है मेरे फ्रेंड के मोबाइल से, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं आगे भी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।